अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रेसिपी है करी। करी के पकौड़ों के लिए आपको चाहिए 1 कप बेसन, 1/2 कप नीम गर्म पानी, 2 प्याज को हमने ऐसे कट किया है क्यूब्स में, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्ची, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। करी के लिए आपको चाहिए 1 किलो दही, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून मेथरे, 1 ग्राइंड किया हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड मिर्ची, 8 to 10 करी पत्ता और 1/2 कप बेसन। सबसे पहले हम पकौड़ों का मिक्स रेडी करेंगे। बेसन के अंदर हम डालेंगे प्याज, नमक, मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया, सफेद जीरा एंड बेकिंग सोडा। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नीम गर्म पानी डाल देंगे। मिक्स रेडी हो गया। अभी हम इसको 1/2 आवर के लिए साइड पर रख देंगे। अभी हम करी पकाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, फिर जीरा और मेथरे, जब जीरा थोड़ा रेड हो जाए तो उसमें करी पत्ता डाल दें। और प्याज, प्याज को थोड़ा पका के उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। जब प्याज पिंक हो जाए तो उसमें नमक और मिर्ची डाल दें। अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल दें। ये दही और बेसन का मिक्सचर है। अभी हम इसको पैन में डाल देंगे। दही डालने के बाद हम इसमें 3 ग्लास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया डालेंगे। करी को हम साइड में पकने देंगे और अब हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप ऑयल।
जब तक हमारी करी पक रही है तब तक हम उसका तड़का बना देते हैं। तड़के के लिए हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 5 मिर्ची और 10 करी पत्ता डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। साथ ही इसमें 3 ग्रीन चिली डाल दें। और इसी तरह हमारी करी तैयार है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।